विशेषाणाम किम लक्षण, विशेषणा पदार्थ का क्या लक्षण है? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, नित्य द्रव्य में रहने वाले और नित्य द्रव्यों को परस्पर एक दूसरे से अलग रखने वाले, जो व्यावर्तक मैंने अलग रखने वाले, उनको कहते हैं विशेष नाम से। एक पदार्थ जिनने कल्पना की है वैशेषिक दर्शन, इसलिए नाम है। विशेषण पदार्थ का देनदार है ये, जिन्होंने दिया है इस संसार को। दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात ने कहा, ये प्रलय काल में परमाणु अलग अलग क्यों रहते हैं? बाद में ईश्वर का संकल्प से जुड़ कैसे जाते हैं, फिर अलग कैसे हो जाते हैं? इनके पीछे कुछ तो मानना पड़ेगा। आकाश काल दिग्ग आत्मा मन, ये सब व्यापक व्यापक आपने कह दिया है, ये क्यों एकदम से चिपक नहीं जाते हैं? सब व्यापक है, सब नित्य हैं, तो फिर कैसे चलेगा गाड़ी? क्योंकि इन सब के बीच में एक विशेष नाम का बीच बीच में परत बना हुआ है, पर्दा सा बना हुआ है, जो इनको एक दूसरे से अलग भी रख रहा है और उनके व्यापकत्व को भंग भी नहीं करता है। कल्पना मात्र तो असंभव है, कल्पना है उनकी, मान लिया ऐसे पदार्थ को जो परमाणु को अलग कर रहा है। परमाणु को तो अलग करने में मान भी जल मान लिया जाए, लेकिन आकाश और आत्मा को अलग कर दोगे, बीच में एक मान लिया, फिर आकाश की व्यापकत्व कैसे रह जाएगा? आत्मा व्यापक जहाँ विशेष है वहाँ आत्मा है या नहीं? विशेष है ना, बीच में आपने कह दिया ना, मैंने ये आत्मा हो गया, ये आकाश हो गया, बीच में विशेष मान लिया आपने, ठीक है। जहाँ विशेष है, ये जो विशेष है, ये देशावच्छिन्न विशेष है, तब देशावच्छिन्न में आत्मा है या नहीं? यदि नहीं है कहोगे तो व्यापक खत्म, यदि है कहो तो विशेष कहाँ रह गया? इसे कल्पना है, मान लिया गया। इनको अलग अलग कैसे किया? किसी ने पूछा तो कहते विशेष नाम विशेष मान लो। जैसे कोई बच्चा ज्यादा हट कर जाए, ले लो टॉफी, ले लो जा खेलो, जा विशेष नाम पदार्थ अलग करते रहो, दिमाग लगाते हो। ऋषि लोग बड़े समझदार लोग हैं, जैसे ज्यादा दिमाग खाए ना उसको एक चीज दे देते हैं, एक कल्पना और ले ले दो, इसी कल्पना तो उलझे रहो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान चाहता है तो क्या करेगा? ये ऋषियों ने सब इसलिए दिया, जो ज्यादा अपने आप बुद्धिमान मानते हैं ना, उनको एक एक मसाला पकड़ा दिया। न्याय वैशेषिक मीमांसा, कोई मीमांसा लेके नाचे जा रहा है, कोई योग को लेके पकड़ा है, कोई सांख्य को पकड़ रखा है, कोई तंत्र को, कोई शक्ति को, कोई शिव को, कोई विष्णु को, पकड़े रहो भाई, सब के खिलौना पकड़ा दिए हैं, अपना अपना दर्शन लिए नाच रहे लोग। अरे छोड़ो ये सब, अपने स्वरूप में जाओ तो कोई जाने को तैयार नहीं। ये विशेषणा पदार्थ कणाद महर्षि की विशिष्ट कल्पना है। इन्होंने कहा नित्य द्रव्यों में रहता है और रहते हुए उन दिन को आपस में एक दूसरे से अलग भी कर देता है। और रहता किस समय से? समवाय समय से, इसलिए कह दिया उन्हीं में रह जाता है, आत्मा में ही रहता है कह दिया। क्या करें, अब क्या रहता है? कहते इन दोनों से अलग नहीं है, ये अलग है भी नहीं भी, इनमें ही रहता भी है, मैंने अलग नहीं है, अलग नहीं तो आत्मा ही है कि नहीं? पृथक पदार्थ भी है, वो है तो पृथक पदार्थ, पृथक पदार्थ होता हो भी उससे अलग नहीं रहता, उसमें समय जैसे द्रव्य और गुण है, दो को पृथक पदार्थ माना, इन गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा, द्रव्य को छोड़ गुण केवल लाओ तो मिलेगा ही नहीं। उसी प्रकार नित्य द्रव्य में विशेषणा का पदार्थ रहेगा, वो उससे अलग है भी, इन पृथक उसके अस्तित्व प्राप्त नहीं होने वाला। उसमें रह करके आकाश में भी रह रहा है, आत्मा में भी रह रहा है, दोनों में रहते हुए दोनों को अलग भी कर दे रहा है। ऐसे विलक्षण विचित्र वस्तु पदार्थ है जिसका नाम उन्होंने रख दिया विशेष। देखिए पदकृतिकार कहते घटत्वादि वारणा नित्य द्रव्यते इति, ये लक्षण कर व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षण, इतना कर व्यावर्तकत्वम कर दिया, ये अलग कर। तो घटत्व भी क्या करता है? घट को पट से अलग कर दे रहा है। जितने भी जातियां हैं व्यावर्तक होते ही हैं, इसे घटत्वादी जाति रूप सामान्य रूप पदार्थ प्रतिव्याप्ति निवारण करने के लिए नित्य द्रव्य वृत्ति कहते हैं। आप नित्य द्रव्य वृत्ति कहोगे तो भी आत्मत्व जाति में चला जाएगा, मनस्त्व जाति में चला जाएगा, क्योंकि नित्य द्रव्य में रहने वाली जातियां हैं वो। चलो घटत्वादी में ही जाएगा, नित्य में रहने वाली जातियां हैं इनमें नहीं जाएगा, लेकिन जो नित्य द्रव्य में ही रहने वाली और नित्य द्रव्यों को परस्पर व्यावर्तन करने वाली जातियां आत्मत्व जाति है, मनस्त्व जाति है, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। तद वारणाय क्या कहना पड़ेगा? हैं, कद आत्मत्व मनस्त्व भिन्न इत्यपि भवति, उन दोनों से भिन्न कह दे अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। आत्मत्व मनस्त्व भिन्नत्व सति नित्य द्रव्य वृत्तित्व सति व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षण, ये विशेष का लक्षण है।
आप आइए समवाय से किम लक्षण, समवाय नव पदार्थ का क्या लक्षण है। नित्य संबंध है समवाय, समवाय किसे कहते हैं, नित्य संबंधत्म समवाय सी लक्षण। संबंध कितने कुल मिला करके, मुख्य संबंध बताए पूछना जो आप सब जानते हैं, कौन कौन, समवाय संबंध, संयोग संबंध, संवेद समवाय संबंध थोड़े, उसमें संवेद और समवाय तो रह गया, उसमें हो गए संबंध थोड़ी, सन्निकर्ष है वो, वस्तुओं में संबंध की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, तादात्म्य संबंध और समवाय संयोग तादात्म्य, तीन हो गया, चौथा कौन, स्वरूप संबंध, चार ही है यही प्रमुख। बाकी आनंद संबंध, कल्पना, अनियोगिता संबंध, प्रतियोगिता संबंध, दुनिया और संबंध, विषयता संबंध, विषयिता संबंध, दुनिया और संबंध, हर चीज को लेकर संबंध बना सकते हैं आप, तद्गत रूपात्मक है, लेकिन वो प्रमुख है, चार ही मानी जाती है, समवाय संयोग स्वरूप और तादात्म्य। ठीक, इनमें से अनित्य कौन से कौन से, संयोग संबंध अनित्य है, समय का अनित्य संबंध बोल ही रहे, फिर समय को गिना रहा है अनित्य में, बताओ लक्षण ही बोल रहा है नित्य, अनित्य कैसे हो गया, संयोग संबंध तो अनित्य होता है, ठीक है ना, और बाकी कोई भी संबंध अनित्य नहीं होता, तीनों के तीनों नित्य है, तादात्म्य संबंध भी नित्य है, स्वरूप संबंध भी नित्य है, समय संबंध भी नित्य है, उनमें सब अतिव्याप्ति हो जाएगा कहेंगे। अब देखिए नित्य संबंध है समवाय, उसके बाद आता है कहा रहता है समवाय संबंध, आयुत सिद्ध वृत्ति ही, आयुत सिद्ध किसको कहेंगे, सिद्ध, सिद्ध तो सिद्ध होते हैं ना? दो सिद्ध है तो युत सिद्ध, दो नहीं है तो आयुत, युत कहते दो को ना, युग्म युत आयुत, लेकिन यहां ऐसा यौगिक अर्थ नहीं है, इनका पारिभाषिक लेना पड़ता है, ये न्यायिकों का वैशिष्यों का अपनी एक पारिभाषिक संज्ञा है, जैसे गुण का अर्थ गुण्य थे गुण, ऐसा करोगे क्या, अधिक गुण का वाले व्याकरण वालों ने, वहां तो उनकी तो अलग अर्थ हो गया, ये कहते रूप रसगंध स्पर्श गुण है, गुण का लक्षण आपने किया ना, कर्म भिन्नत्व सती इत्यादि लक्षण कर दिया आपने, इनका गुण का लक्षण अलग है, इसलिए व्यवहार गणित में जाओ तो गुण्य गुण गुणा भाग करो बोलते हैं, गुण करो भाग करो, वहां गुण अलग अर्थ हो गया, इसलिए कई शब्द ऐसे होते हैं जहां प्रयोग कर रहे हैं उस दर्शन का उस शास्त्र के आधार पर अर्थ लेना पड़ता है। यहां पर आयुत सिद्ध सर्वत्र जो है ना, यौगिक अर्थ घटते नहीं है, जहां घट जाते वहां घटा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आयुत सिद्ध का अर्थ यौगिक अर्थ आप नहीं ले सकते, पारिभाषिक इनका लक्षण है जिसको आगे बता रहे, देखे योर मध्य एकम अविनश्यद अवस्तम अपराश्रतम एवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ, उनको आयुत सिद्ध कहा जाता है, उन दो वस्तुओं को देख, आयुत मन युत नहीं, दो नहीं, अर्थ ऐसे उल्टा निकल रहा यौगिक अर्थ तो, अरे नहीं दो हैं बोल रहे, दो है दो, तव आयुत सिद्ध, जिन दोनों का आयुत सिद्ध कहा जाएगा, ययोर द्वयोर मध्य जिन दो के बीच में एकम अविनश्यत, एकम ने कार्यम घटाधिकम अविनश्यत सती अवस्थम अपराश्रितम एवतिष्ठते, अविनश्यद अवस्थम नाश न होता अवस्था में रह रहा है, कब तक, जब तक दूसरा अपरगुण कारण में आश्रित होकर के वो बना रहता है, ऐसे जो दो वस्तु है उनको अयुत सिद्ध करते हैं, जैसे घटादि जब तक विनाश को प्राप्त न हुए अवस्था में है तब तक वे अपने कारण बुद्ध कपाल आदि में आश्रित होकर के बने हुए रहते हैं, जब तक घट का नाश नहीं हुआ है तब तो घट कहां रहता है, कपाल में रहेगा, वही कहते एकम अविनश्य अवस्थम, एक कौन कार्य घटादि, वह अपनी विनाश न हुए अवस्था में रह रहा है तो कहां रहता है, अपराश्रितम एव, वो दूसरे कारण में आश्रित होकर के ही अवतिष्ठते अवस्थित रहते हैं, ऐसे जो दो आश्रय आश्रित भाव से रहने वाले जो दो पदार्थ है ऐसे दो को ही हम क्या कहेंगे, अवतिष्ठते, ऐसे जुड़वे जुड़वे कितने जोड़ी है आपके पास,
कहते पांच जोड़ी है हमारे पास, ऐसे जो जोड़ी कितने हैं, पांच है। कौन है वो? यथा अवयव अवविनव, पहला गुण गुणिनव, दूसरा क्रिया क्रियावंत, तीसरा जाति व्यक्ति विशेष निद्रव्य, चो जाति व्यक्ति, चौथा विशेष निद्रव्य, पांचवा, पांच जोड़े हैं यहाँ। अवयव और अवयवी कपाल और घट के बीच में दृष्टांत स्पष्ट है। गुण गुणी रूप और घट, रूप रस आदि जो है उनका अपने अपने द्रव्य समवाय कारण होता, जो गुणी है जो द्रव्य है उनके साथ संवाद है। क्रिया क्रिया क्रियावंत, धावन पुरुष धावन देवदत्त इत्यादि में दौड़ना रूपी क्रिया और उसका अधिष्ठान उसका आश्रय होता देवदत्त, इन दोनों के बीच में संवाद संवाद। जाति व्यक्ति घटत जाति और व्यक्ति भूता घट, घटत जाति और घट, इन दोनों के बीच में क्या है कहते वहां भी संवाद संबंध समझो। विशेष नित्य द्रव्य च, और अभी अभी जो पढ़ा आपने विशेषणा पदार्थ, और वह जिन परमाणुवादी नित्य द्रव्य में रह रहा है वहां जोड़ी भी बीच में उन दो जोड़ियों को आयुषित कहा जाएगा, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम समवाय संबंध है। पदकृतिकार कहते हैं नित्यहम, कहा तो इतना लक्षण कर दो नित्यत्वम, नित्य तो जहां जाए उसका नाम समवाय संबंध। नित्यत्व तो फिर आकाश में भी है, काल में भी है, दिग में भी है, आता में भी है, इन सब में अतिव्याप्ति हो गया नित्यत्वम। यदि लक्षण नित्यत्वत्म समवाय संलक्षण कहोगे आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगा तनवारणाय संबंध थी, कति इतना लक्षण कर दो संबंधत्म, संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगा, संयोग आदि में अतिव्याप्ति, संयोग संबंध आदि में अतिव्याप्ति होगा, तब निवारण क्या कहना नित्य संबंधो समवाय। जब नित्य संबंध समवाय कह देते हैं तो स्वरूप संबंध में लक्षण चला जाएगा, संयोग में अतिव्याप्ति नहीं है लेकिन स्वरूप संबंध में अतिव्याप्ति हो जाएगा। तन में अत्याते स्वरूप संबंध कहने से वो भी ताजा तुम्हें आ गया, क्या कहना पड़ेगा स्वरूप संबंध वारण आया तद भिन्न बोध्यम, क्या कह स्वरूप ताजात्य भिन्न के सती नित्य संबंध समवाय संलक्षण, स्वरूप संबंध और ताजात्य संबंध से भिन्न जो नित्य संबंध कहा जाए उसी का नाम समवाय। ये इनका समवाय के बारे में संक्षेप में हो गया। यदि भी अयुक्त सिद्ध का मामला बहुत गहरी मामला है, बहुत शास्त्रार्थ इस विषय में कि भूतल आदि को त्याग करके घटादि विद्यमान रहते हैं, से भूतल और घट का बीच में आप समवाय संबंध नहीं मान सकते, क्योंकि भूतल और समवाय के बीच में क्या रहेगा संयोग संबंध रहता है, भूतल और घट का बीच में संयोग संबंध मान लिया समवाय नहीं रह सकता वहां पर, क्यों क्यों? जब तक घट नष्ट नहीं होगा तब तक घट भूतल में आश्रित रहे कोई जरूरी है क्या? जब तक घट नष्ट ना हो तब तक घट भूतल में आश्रित रहेगा ये कोई जरूरी है नहीं। अवश्यम भागनी नहीं दिख रही है इसलिए यहां संयोग संबंध माना जाता है, समवाय नहीं माना जाएगा। कई भूतल को त्याग करके भी अन्यत्र आप घट को ले जाते हो और अन्यत्र घट को स्थापना कर देते हो, भूतल से उठा दिया पीठ पर रख दिया, आठ लकड़ी का पीठ बना दिया उस पर पूजा के लिए रख दिया, भूतल में था भूतल से हटके वहां रख दिया, अब वहां अवतिष्ठते हो गया कि नहीं, इसको त्याग करके रह गया बिना विनाश हुई, इसलिए भूतल को उस घट के साथ में समवाय संबंध नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से काफी विचार इसमें होता है अविनश्यत क्यों का, अविनश्यत में विनाश न होते हुए जो अवस्थित रहता हो या नहीं, तब जो भी जिसमें आश्रित रह रहा है वह कारण ही होना चाहिए, फिर समवाय कारण भी हो सकता है नेत्र तो नहीं होगा। यदि समवाय कारण करके आप ले लोगे गड़बड़ी होगी, नित्य द्रव्य और विशेष जो है समवाय कारण भाव तो है नहीं कि विशेष स्वयं नित्य है, वह आत्मा आदि में पैदा तो हुआ ही नहीं है, इसीलिए यहाँ इनके यहाँ बहुत सारी समस्या आ जाती है। अवयव अविभाव में समवाय संबंध में वहाँ समवाय कारण ले सकते हो, गुण और द्रव्य के बीच में समवाय संबंध ले सकते हो वहाँ भी आप समवाय कारण ले सकते हो, और आपके क्रिया क्रियावंत में भी आप जो है ले सकते हैं कार्य कारण भाव समवाय कारण ले सकते हो, लेकिन जाति व्यक्ति में कोई संभव नहीं है समवाय कारण, क्योंकि जाति भी नित्य
उत्पन्न तो होता नहीं है, फिर समय कारण कैसे होगा उसका अधिष्ठान। तीन में अपराध अपराश्रितम शब्द से जो कारण ले रहे हो वह समय कारण ले सकते हो, है ना, लेकिन बाकी दो में कार्य कारण भाव है नहीं वहां, और कारण शब्द ही नहीं ले सकते दासरतम से, या नहीं। जब सामान्य जिस द्रव्य में आते घटत आश्रित है घट में, घट भले ही पैदा हो गया घटत तो पैदा नहीं हुआ है ना। यह नित्य द्रव्य आत्मा विशेष रहता है, लेकिन आत्मा भले ही नित्य है विशेष भी नित्य है, अरे विशेष आत्मा पैदा तो हुआ है नहीं, तो समय कारण कैसे होगा विशेष का आत्मा। जाति का समय कारण घटादि नहीं है, घटत वाली जातियों का समय कारण घटादि नहीं है, विशेष का भी समय कारण जो है आत्मादि नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच समय संबंध माना जाएगा। वहां तो समय कारण थे, उनका कार्य कारण में समय संबंध मान लिया गया, सब तो ठीक बन रहा है, इन दोनों के बीच बिना समय कार्य कारण भाव करते हुए आप समय संबंध मान रहे हैं, जबरदस्ती नहीं तो है क्या मान्यता, मान लिया मान लिया, हम भी हाँ यहाँ कर देंगे, चलो भाई न्याय पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अब यहाँ इसे खंडन नहीं करना है, इसे खंडन करेंगे जब चित्त सुखी पड़ेंगे, जब चित्त दुखी करेंगे ना वहां पे, तब पता चलेगा सब कितने दुखी किए थे, कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। शुरू में आपको विचार ही नहीं आते, जब तक नहीं बताएंगे सब बातें आपको समझ में नहीं आती है, लगता है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कार्य कारण के भाव का बीच में समवाय संबंध अपने ही कर, यत संवेतम कार्य उत्पदते तत् समवाय कारणम भवति, भाई जिसमें समवाय संबंध से पैदा हुए वो समवाय कारण है, ठीक है, और जहां जो समवाय संबंध से पैदा नहीं हो रहा वहां बीच में समवाय संबंध मानते ही क्यों हो, ये प्रश्न पूछेंगे ना। अब जाति घट में समवाय संबंध से पैदा नहीं हो रही है वहां क्यों समवाय संबंध मान रहे हो, फिर विशेष आत्मा में समय संबंध पैदा नहीं होता उसे समय संबंध क्यों मान रहे हो, इसके इसके जवाब उनके पास नहीं, कोई जवाब। कहते हमारे ऋषियों ने कह दिया आयु सिद्ध है, इनके पीछे समय है, वो हमने रट लिया मान लिया छुट्टी पर, इसलिए इनकी खंडन हो जाती बाद में वेदांत, इतने नित्य पदार्थों को लेकर व्यवहार बनेगा ही नहीं, एक नित्य हो आत्मा बाकी सब अन्य। चलिए प्राग भाव से किम लक्षण, अभाव चार प्रकार के पर विचार कर रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं ग्रंथ। प्राग भाव से किम लक्षण, प्राग भाव का क्या लक्षण, अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्य, अनादि हो लेकिन जिसका अंत हो जावे उस अभाव का नाम प्राग भाव है। जो घटा भाव आप मृतिका में देख रहे हैं या कपाल में देख रहे हैं उस अभाव का नाम प्राग भाव है, क्योंकि वह उस मृतिका में घट अनादि काल से नहीं है और अब वह पैदा हो जाएगा, पैदा होते ही घट का जो अभाव मृतिका में देख रहे थे वह अभाव नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम प्राग भाव, उत्पत्ति से पूर्व में रहने वाला होने इसका नाम प्राग, उत्पत्ति है पूर्व उत्पत्ति है प्राग, यो अभाव दृश्यते समवाय कारणे स अभाव प्राग भाव, समवाय कारण में उत्पत्ति के पूर्व में जिस प्रतियोगी का आप अभाव देख रहे हैं उस प्रतियोगी के अभाव को प्राग भाव कहा जाएगा। देखिए पदकृति का प्राग भाव लक्षित अनादिरित घटाधिवारण है प्रथम दलम, इतना है शांता शांतत्व प्राग भाव लक्षण, जो अंत सहित है जो विनाशी है उसका नाम प्राग भाव है, ऐसा लक्षण कर घटादि भी है विनाशी उनमें लक्षण चला जाए, ठीक है। फिर अनादिकम इतना लक्षण कर जो अनादि है, घटादि तो नहीं, घटादि तो सादी है उत्पन्न हुए हैं, घटादि सादी वस्तु होने से उसमें अतिव्याप्ति तो निवारण हो जाएगा अनादिकम कहने से, तो कहते फिर उतना ही लक्षण कर दीजिए, अतिव्याप्ति निवृत्त हो ही गया दोष खत्म, तो लक्षण उतना ही रहने दो अनादिकम, तब परमाणु वाली में अतिव्याप्ति हो जाएगा, परमाणु वारण है द्वितीय दलम, परमाणु कैसा है अनादि है अनादि काल से और कभी नष्ट होता नहीं, लेकिन इसे क्या कह दो शांत कह दोगे तो उसमें अत्यंत निवृत्त हो गया, इसे उभयदल की अपेक्षा है अनादित्व सति शांतत्व प्रागभाव से रक्षा। पुनः प्रागभाव कस्मिन काले अस्ति,
कहते पुनः एक विचार उठ रहा है यहाँ, ये प्रागभव नाम का वस्तु जो आपने मान लिया वो किस काल में रहता है अपने कारण में? कहते तथा उत्पत्ति रीति, उत्पत्ति से पहले रहता है। अरे उत्पत्ति से पहले रहेगा तो कहाँ रहता है? उत्पत्ति से पहले। और किसकी उत्पत्ति से पहले, किसकी उत्पत्ति से पहले कहाँ रहता है, ये दो बात बताना जरूरी है। आपने उत्पत्ति से पहले, लेकिन किसकी उत्पत्ति से पहले, कारण की उत्पत्ति से पहले बताओ। नहीं नहीं, फिर आपको कहना पड़ेगा कार्य, अरे पहले स्पष्ट कर देता कार्यस्य उत्पत्ति पूर्वम, कहाँ रहेगा? कारणे, कहना पड़ेगा ना, वही स्पष्ट कर देंगे। कार्यस्य उत्पत्ति प्राक स्वप्रतियोगी समवाय कारणे वर्तते इत्यर्थः, कार्य की उत्पत्ति से पहले स्व का प्रतियोगी, स्व कौन है? प्रागभाव, स्व से लेना हमेशा तो स्थल में जो जो होता है, यहां पर क्या है? घट प्रागभाव, घट प्रागभाव का प्रतियोगी कौन है? घट यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसके अभाव ले रहे हो तो उसी को तो प्रतियोगी कहेंगे। आप किसके प्रागभाव ले रहे हो? घट का प्रागभाव ले रहे हो, इसे घट प्रागभाव प्रतियोगी कौन है? घट है। स्व हो गया घट प्रागभाव, उसका प्रतियोगी कौन हो गया? घट। उस प्रतियोगी बुदा घट का समवाय कारण कौन है? कपाल। उस कपाल में ही उस घट रूपाकारी का उत्पत्ति होने से पहले घट का प्रागभाव रहता है। समय से रहेगा है? समय संबंध से पागल है, स्वरूप संबंध से। अधिकरण में वस्तु अभाव रहेगा, हम घट की समय से रह रहे नहीं पूछ रहे। घट रहेगा कपाल में समवाय संबंध से, घट का प्राग अभाव रहेगा कपाल में स्वरूप संबंध से। हम अभाव को देख रहे हैं ना इस समय कि घट को देख रहे हैं? अभी तो पैदा ही नहीं हुआ ना घट, घट की उत्पत्ति से पहले मैं घट के प्रागभाव को देख रहा हूं, उसके समय कारण को देखा पाल में, वो किस समय से रह रहा है पूछा, तो स्वरूप संबंधी कहना होगा। वर्तते इत्यर्थः स्वप्रत्यगी समवाय कारणे स्वरूप संबंधेन कार्य से घट उत्पत्ति प्राग समय कारण कौन है? कपालादौ वर्तते इत्यर्थः। ध्वंस प्रध्वंस से किम लक्षणम्, प्रध्वंस भाव का क्या लक्षण है? सादिर अनंत प्रध्वंस, सादिर अनंत प्रध्वंस। उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, कार्य की उत्पत्ति के अनंतर रहता है, कहाँ रहता है? प्रध्वंस का अभाव कहाँ रहेगा? कार्य में रहेगा। देखिए अभी प्रकृतिकार क्या कहते हैं, घटादि वारणे अनंत इति सादित्वम, प्रध्वंस वास लक्षण कर दो सादित्वम, इतना ही लक्षण कर दीजिए, जो सादी है वो प्रध्वंस भाव है, तो चला जाएगा घटादि में, क्योंकि वो भी सादी है, अगर अनंतक है जो अंतरहित है, और घटादि कैसे हैं? अंत वाले हैं, इसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, कि तब इतना ही लक्षण कीजिए अनंतत्वम प्रध्वंस भाव से लक्षण। तक आत्मादि वारणाय, आत्मा आकाश काल दिख ये सब कैसे है? नित्य है ना, ये भी अंतरहित है अनंत, तो उसमें भी अनंत का मतलब संख्या करता अनंतता ने बहुत अनंत, ऐसा अर्थ नहीं है, अंताभाव नाशाभाव यदि अनंत, इसलिए तार अनंतत्व जो है मृत नित्यत्व एक रहेगा, आत्मादि में चला जाएगा, इसलिए क्या कहना पड़ा? साधि भी कह दो, तो साधित्व सती अनंतत्व प्रध्वंसा भाव से लक्षण, ये बन गया। कार्य से उत्पत्ति अनंतरम स्वप्रतिगी समवाय कारण वृत्ति इत्यर्थः, ये क्या है? कार्य की उत्पत्ति के पहले वो था और एक कार्य की उत्पत्ति के बाद रहेगा। कार्य से उत्पत्ति अनंतरम कार्य विद घटादियों का उत्पत्ति के अनंतर में स्व हो गया प्रध्वंसा भाव, घट प्रध्वंसा भाव, स्व से क्या लेंगे अभी? घट प्रध्वंसा भाव, उसका प्रतियोगी कौन है? घट, घट, और उसका समय कारण, घट का समय कारण कौन है? कपाल, कपाल में रहेगा प्रध्वंसा भाव, घट में नहीं रहेगा। प्रतियोगी विद्या घट कारण होता है, घट में खुद नहीं रहता है घट प्रध्वंस भाव, यदि प्रध्वंस भाव रह गया घट में, घट क्या रह जाएगा? रहता है कपाल में, दोनों ही चीज कपाल में ही रहेगा, दोनों ही स्वरूप संबंध से रहेगा,
यानी एक उत्पत्ति से पहले दूसरा उत्पत्ति के बाद, कार्य से उत्पत्ति अनंतरम स्वप्रत्यय स्वय कारण वृत्तिरित्यर्थ, कार्य के उत्पत्ति के अनंतर जो है स्व हो गया प्रध्वंसा भाव, घट प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी है घट घट, उसका जो समवाय कारण है कपाल, कपाल में प्रध्वंसा भाव रहता है कि नष्ट होने के बाद घट तो रहता नहीं ना, तब कहाँ रहेगा फिर प्रध्वंसा भाव। आप ये तो सोचिए, आपने घट प्रध्वंसा भाव घट में रहता है कह दिया ना आपने, ये मान भी लिया जाए, हमारे से पूछते हैं जब तक घट है तब तक भले ही बोल लो गांव उत्पत्ति के अंतर इसी घट में घट प्रध्वंस का भाव है, अब घट नष्ट हो गया, वास्तव में नष्ट हो गया, तब घट ध्वंस कहाँ है, घट तो रहा ही नहीं, इसका घट प्रध्वंस भाव खत्म हो गया कपाल में ना, इसे मानना पड़ेगा कि इसे शुरू से कह देना है हम लोगों ने कि घट प्रध्वंस भाव कहाँ रहेगा, कपाल में रहेगा। जब कपाल का ध्वंस हो जाएगा तब कहां रहेगा कपाल ध्वंस, कपालिका में रहेगा, कपालिका का ध्वंस पिंड में रहेगा, पिंड ध्वंस मृतिका में। इसी प्रक्रिया से कारण में ही इसको बिठाना है हमेशा, स्वरूप संबंध से ही रहेगा। ये कैसे निश्चय हुआ, कदे सच ध्वस्त इति प्रत्यय विषय उत्पत्ते, इस प्रत्यय के विषय प्राग भाव है, ध्वस्ता इस प्रत्यय के विषय प्रध्वंसा भाव है। अत्यंता भाव से किम लक्षण है, अत्यंता भाव का लक्षण क्या है, त्रैकाल के संसर्ग अवचिन्न प्रतिपदा को अत्यंता भाव यथाभूतले घटो नास्ति इति, त्रैकाल के संसर्ग अवचिन्न प्रतिपदा को अत्यंता भाव। त्रैकालिक संसर्ग अवचिन्न का मतलब क्या, भूत वर्तमान भविष्य का तात्पर्य नहीं है यहां। पहले आपने क्या पढ़ा, उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद, ये कहा ना आपने, उत्पत्ति काल का एक काल माना और उस काल का एक पूर्व काल मान लिया और एक उत्तर काल माना, तीन काल हो गए ना, उत्पत्ति काल, फिर उत्पत्ति का प्राग काल और उत्पत्ति का उत्तर काल, तीन काल हुआ ना, त्रिकालिक संसर्ग अवच्छिन्न। ऐसे कहने से क्या हुआ, प्राग और प्रध्वंस में अत्यंत निवृत्त हो जाएगा, माने उत्पत्ति से पहले भी है, उत्पत्ति के बाद भी है, उत्पत्ति काल में भी है। ऐसे अभाव कर त्रिकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता जो अभाव है उसका नाम अत्यंत अभाव, यथा भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है, किस संबंध से नहीं है, स्वरूप संबंध से। अरे संयोग संबंध से त्रैकालिक कैसे कह दोगे, अब हमने यू घटा रख दिया, अब ये तत्कालावच्छेद में संयोग संबंध घट आ गया ना, फिर त्रैकालिक संयोग संबंध घटा भाव कहां से मिल जाएगा आपको, किसने किस काल में संयोग संबंध से घटा सकता है, तो त्रैकालिक संबंध सर्व संबंध अवच्छिन्न आप लोगे अभाव तो मिलेगा, घट काल में घट को रख दिया आपने भूतल में तब भी घट अत्यंत अभाव मिल जाएगा, क्यों, अरे घट में घट जो भूतल में किस संबंध से है, संयोग संबंध से है, और स्वरूप संबंध से नहीं, मैंने भूतल में घट रहते वक्त भी भूतल में घट का अत्यंत अभाव स्वरूप संबंध से देख सकते हो, लेकिन संयोग संबंध से तो त्रैकालिक संबंध अवच्छिन्न अभाव नहीं मिलेगा। यदि किसी ने किसी काल में संयोग पैदा हो जाएगा और संयोग पैदा हुआ तो संयोग संबंध देना वहां पर भूतल में घट आ जाएगा, फिर त्रैकालिक घट अत्यंत अभाव कैसे मिल जाएगा वहां पर संयोग संबंध देना, इसलिए संयोग संबंध देना कभी भी जो है किसी भी चीज का अत्यंत अभाव मिल नहीं सकता, तत्कालावच्छेदन तदेशावच्छेदन अभाव मिल जाएगा, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न भाव तो नहीं मिल सकता, मिलेगा तो स्वरूप संबंध से मिलेगा। और स्वरूप क्या है, कस स्वरूप, ये स्वरूप संबंध आप कह देते हो ना, स्वरूप स्वरूप किसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है, किसके स्वरूप संबंध ले रहे हो तुम, किसके स्वरूप को अपने संबंध में रूप कल्पना मान रहे हो, जिस अधिकरण में है
जिस अधिकरण में तुम देख रहे हो उस अधिकरण का स्वरूप ही है, कार्य नहीं। आपने कपाल घट प्राग भाव देखा वह स्वरूप समझ गए, कपाल स्वरूप ही है। भूतल में घटाभाव देख रहे हो तो भूतल स्वरूप एतद् देशावचिन एतद् कालावचिन यद् भूतल स्वरूपम भवति तदेव संबंध है, स्वरूप संबंध है। तार स्वरूप संबंध अवच्छेदेना तद् देश तद् काल में तद् अवच्छिन जो भूतल में ही घट का अत्यंत भाव देखा जाएगा। इसे भूतल का स्वरूप भी निश्चय होता है और उस स्वरूप संबंध से आपने उस भूतल में ही घट का अत्यंत भाव देखा। त्रिकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत भाव यथा भूतले घटो नास्ति इति अत्यंत भावं लक्षयति। त्रिकालिकी त्रिकालिकत्वे सति संसर्ग विशेषण नहीं अलग कर देते, इसलिए त्रिकालिकत्वे सति संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत भाव। त्रिकालिक होता हुआ स्वरूपादि संबंध अवच्छिन्न कई चीजों का संयोग संबंध से भी त्रिकालिक अत्यंत भाव मिलेगा, क्योंकि आकाश का आत्मा का परस्पर संयोग नहीं मानते ना, नित्य द्रव्यों का संयोग नहीं मानते, इसलिए आकाश में संयोग संबंध अवच्छिन्न आकाश का तीनों काल में अत्यंत भाव मिल जाएगा। इसे संसर्ग कहते हैं, सीधा बोलते स्वरूप संबंध अवच्छिन्न कह देते, कहीं स्वरूप संबंध है कहीं संयोग संबंध से भी त्रिकालिक मिल सकता है, ठीक है। भूतल में घट का संयोग संबंध त्रिकालिक संबंध अवच्छिन्न नहीं मिलेगा, किंतु आकाश का संयोग संबंध या त्रिकालिक जो है आत्मा में अत्यंत भाव मिल सकता है। इसे सामान्य कर संसर्ग अवच्छिन्न कोई भी संबंध ले लो, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है उस अधिकरण में जहां अत्यंत भाव देख रहे हो, जिसका अत्यंत भाव देख रहे हो उसका यत्किंचित देशावच्छेदन यत्किंचित कालावच्छेदन यत्किंचित अन्य संबंध अवच्छेदन वहां उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होना चाहिए, तब उसका अत्यंत भाव होना चाहिए। ये ध्यान रख करके ही अत्यंत भाव व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो मनमाने करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। कई त्रिकालिकत्व सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत भाव। यहां पर त्रिकालिक क्यों का ध्वंस प्राग भाव वारणा है आगे ना, ध्वंस प्राग भाव इन दोनों में अतिव्यक्ति वारण करने के लिए त्रिकालिक कर दिया, क्योंकि एक पूर्वकालिक है एक उत्तरकालिक है, दोनों में से कोई ऐसा नहीं जो त्रिकालिक हो, यहां त्रिकालिक कहने से उन दोनों में अतिव्यक्ति निवृत्त हो जाएगा। यही त्रिकालिक न कहते वो भी संसर्गावच्छिन्न नहीं है, प्रतियोगिता का भाव है वो भी सर्व संबंधावचन घट प्राग भाव है, सर्व संबंधावचन घट प्रध्वंसा भाव है, संसर्गावचन वो भी है ही, यत्किंच संबंध है वहां पे, तो उनमें अतिव्यक्ति हो रहा था, इसे त्रिकालिक कह देने से उनमें अतिव्यक्ति निवृत्त हो गया। अब भाई त्रिकालिक कहने के बावजूद भी गड़बड़ होगा, त्रिकालिक से जो है अवच्छिन्न त्रिकालिक सती संसर्गावच्छिन्न कहने से तादात्म्य संबंधावचन ले लेंगे तो अन्योन्य भाव में अतिव्यक्ति हो जाएगा। अन्योन्य भाव कैसा है वो भी त्रिकालिक रहता है, घट पटो ना, घट जो है पट नहीं है, घट में पट का अन्योन्य भाव आपने देखा है और तीनों ही कालों में कभी भी घट पट होता नहीं, हो नहीं सकता, असंभव है ना। अरे त्रिकालिकत्व तारत संबंध अवच्छिन्न पट अन्योन्य भाव घट मिला कि नहीं मिला, उसमें लक्षण की अतिव्यक्ति हो गई आपका। त्रिकालिक जो है संसर्ग संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव पटा भाव है वो आपका जो है घट में मिल रहा है, तो अन्योन्य भाव में अतिव्याप्ति हो गया भेद, अन्योन्य भाव कहते भेद एक ही चीज है, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा संसर्ग है। तादात्म्य संबंध विशिष्ट संबंधों में से नहीं मानता, क्यों तादात्म्य में संसर्ग विशेष होते हुए भी संसर्ग क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि सम्यक प्रकार न संसृज्यते संबद्धते अनियोर द्वयोर मध्य इति संसर्ग, जो सम्यक प्रकार से दो पदार्थों के संबंध होवे उसको संसर्ग कहते हैं, और तादात में क्या है दो पदार्थ है ही नहीं, स्व का स्व में स्व का स्व तदेव आत्मा से तदात्मा तदात्मन भाव इति तादात्म, माने घटेव आत्मा स्वरूपम यस्य घटी स्वरूप है पट अन्योन्य भाव का, पट अन्योन्य भाव है क्या, घट पट नहीं है आपने कह दिया, पट का भेद घट में है, पट का अन्योन्य भाव घट में है, वो घट में पट का अन्योन्य भाव है क्या चीज, वो घट स्वरूप के अलावा कुछ है नहीं,
इसे अन्योन्य भाव का पटन्योन्य भाव का आत्मा जो स्वरूप वास्तव में है क्या, घट के अलावा कुछ नहीं। इसे घटी है तदेव आत्मा, घटी है आत्मा जिसका, ऐसा वस्तु को हम कहते हैं तदात्मा। कौन है वो? पटन्योन्य भाव, घट है आत्मा स्वरूप उसका, है ना। अन्योन्य भाव का स्वरूप घट ही होता है ना, इसे घट अन्योन्य भाव हो गया। तस्य भाव, उसमें जो प्रकारीभूत धर्म है वही हम संबंध मान लिया, उसको कदम हमने तादात्म्य हम शेय प्रत्यय कर दिया, तादात्म्य शब्द बना, उसको आपने संबंध कर दिया। अरे तादात्म्य संबंध है ना, तादात्म्य संबंध कैसे अर्थ क्या हुआ? घट रूप एक संबंध विशेष के द्वारा हम घट में ही पट का अन्योन्य भाव देखते हैं। अतः तादात्म्य संबंध घट रूप संबंध घटात्मक वस्तु से अलग कुछ भी नहीं। अतः दो के बीच में कहा संसर्ग हुआ? जब दो के संसर्ग ही नहीं रहा जा रहा है, अतः क्या मानना पड़ेगा इसको? तादात्म्य जो संबंध है वो संसर्गात्मक संबंध नहीं है, संसृष्ट संबंध नहीं है। अतः संसर्ग विशेषण देने से तादात्म्य व्याप्ति निवृत्त हो गया। भेद वारणाय संसर्ग इत्यादि इत्यादि संसर्ग अवचिन्न प्रतिविता ये पूरा हिस्सा को दे देना। ये कहा कि विरला ने गया है, विरला ने कहा तत् आत्मनो भाव तादात्म्य सैव प्रतिविधावच्छेद संबंध, वही प्रतिविधा संबंध होने का नाम तादात्म्य संबंध। अन्योन्य भाव का टीका में विरला ने अन्योन्य भाव किम लक्षणम तादात्म्य संबंधावच्छेद प्रताप अन्योन्य भाव यथा घटापटो न इति। तादात्म्य संबंधावच्छेद प्रतिविधा को अन्योन्य भाव, तादात्म्य संबंध का लक्षण क्या है? इसे ये तो हमने व्युत्पत्ति से समझा दिया, नीचे व्युत्पत्ति विधेय तदात्मनो भाव, तदात्मना तदेव आत्मा सीति तदात्मा तदात्मनो भाव तादात्म्यम, ये हमने विग्रह की समझा दिया। इन वास्तविक लक्षण क्या है तादात्म्य संबंध का वो लिख लो, भिन्न सति अभिन्न सत्ताकत्व तादात्म्य संबंध, भिन्न सति अभिन्न सत्ताकत्व रूपम तादात्म्यम। जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न सत्ता वाला है उसका नाम तादात्म्य, भिन्न सति अभिन्न सत्ता तत्व रूपम तादात्म्यम, ये लक्षण है। समझो घट और पट अन्योन्य भाव ये भिन्न है या नहीं? क्यों बताना पड़ेगा? हाँ करने से थोड़े चलेगा गाड़ी। घट और पट अन्योन्य भाव भिन्न है, दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों? सीधा है, अरे घट एक भाव पदार्थ है और पटो न जो बोल रहे अन्योन्य भाव का भाव पदार्थ है, भाव और अभाव वैसे ही परस्पर विरुद्ध भाव पदार्थ है, दो नहीं है। घट क्या है? भाव पदार्थ है ना, और पटो न जो बोल रहे हो वो पट क्या, पटो न क्या है? एक अभाव पदार्थ है। भाव और अभाव दो पदार्थ है यहां पे, एक भाव पदार्थ है दूसरा अभाव नाम पदार्थ, अतो दो भिन्न है ना। दो पदार्थों के बात चल रही नहीं चल रही है? से भिन्नत्वे सति भिन्न होते हुए भी, लेकिन दो भिन्न पदार्थों का अलग अलग पृथक सत्ता है क्या? जैसे जल एक पदार्थ है ठीक है, और पृथ्वी एक पदार्थ है, दो भिन्न भिन्न भाव पदार्थ है, दोनों भिन्न भाव पदार्थ अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग सत्ता भी है, पृथक सत्ता वाले हैं ठीक है या नहीं? पृथ्वी अपनी अलग सत्ता वाला है और जल अपनी अलग सत्ता वाला है, गुण भी अपनी अलग सत्ता वाला है, अलग अलग पदार्थ अलग अलग सत्ता वाले हैं वो। आप कहते ही हैं भाई ये क्या होता है? परसत्ता। परसत्ता कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में। एक अपर सत्ता क्या है? वो न्यून में रहने वाले, जो द्रव्यत्व क्या है अपर सत्ता है, पृथ्वीत्व क्या है अपर सत्ता है, कहा पृथ्वी मात्र में रहेगी, जल द्रुपी सत्ता जल मात्र में रहने वाली सत्ता हो गई है या नहीं? तो ये सब अपनी 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 स्वतंत्र सत्ता वाले हैं ये, इन अभाव की कोई सत्ता होती है क्या? और नामे अभाव उसको सत्ता कहां से होना, जो है ही नहीं उसी सत्ता क्या होगी? जब बोल ही रहे हो अभाव है, अभाव होता है नास्ती, घटो ना अस्ति,
न अस्ति अपने कर्म ने सत्ता को निषेध कर दिया, फिर सत्ता कहां से आ जाएगा उसमें, इसे उसकी कोई अपनी सत्ता ही नहीं है। तो क्या करे फिर, या भाव को बच्चे को कहां बिठाएं, दूसरे की गोदी में बिठाना पड़ता है, दूसरे की सत्ता में रहेगा, जिसकी सत्ता में रहेगा ये उसकी सत्ता से अलग इसकी अपनी सत्ता नहीं होती है, इसलिए अभिन्न सत्ता वाला हो गया। समझ में आई बात, इसे क्या हो गया, ये अभिन्न सत्ता वाला हो गया। कौन है वो, अभाव नाम का, चाहे प्राग अभाव, चाहे प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, ये अभाव अभिन्न सत्ता वाले, जो भाव रूपा पदार्थ जिसमें तुम अभाव को देख रहे हो उसकी सत्ता से अलग सत्ता वाला ना होने से, यह अभाव जो है अपना अधिकरण के सत्ता से पृथक सत्ता वाला ना होने से अभिन्न सत्ता वाला हो गया, उसकी सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला हो गया। ठीक है ना, अभिन्न सत्ता वाला हुआ और भिन्न है भी, भाव से भिन्न है अभाव, इसे भिन्न होते हुए अभिन्न सत्ता वाला होने का नाम ही तादात्म्य। ऐसे संबंध विशेषण में मानना पड़ता है भाव अभाव का बीच में, विशेषण वह भाव अभाव के बीच में जहां आत्यंतिक निषेध हो जाए एक दूसरे का। घट तीनों ही कालों में कभी भी किसी प्रकार से भी पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी संबंध विशेष को लागू करते हैं, तादात संबंधावच्छिन्न प्रतिविता को अन्योन्य भाव, यथा घट पटो नहीं। प्रतिकृति देखिए, अन्योन्य भाव लक्ष्यति प्राग प्रत्यंस भाव वारणाय तादात्म्यति, इतना ही कहा जाते प्रतिविता को अभाव, तो प्राग प्रत्यंस सब प्रतिविता का भाव है ही, घट प्रतिविता के कोई कुछ प्रतिविता के वारण हो गया तादात्म्य कहने से, एंतर संबंधावच्छिन्न इतना कहने से काम चलेगा नहीं, अत्यंत भाव वारण तादात्म्यत्वेन संबंध विशेषणीय, और शब्द हटा करके हो संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव, तो संबंधावचन प्रतियोगिता भाव क्या है, अत्यंत भाव भी है, तो उसमें त्यवत निवारण करने के लिए तादात्म्य विशेषण देना जरूरी है।